Hey guys, welcome back to our series of educational videos in advertising and I have with me Vivek Srivastava, jinko aap jante hi hain that he has spent over 30 years in the industry aur पिछले वीडियो में इन्होंने समझाया था कि एडवर्टाइजिंग में एजुकेशन आप कैसे ले सकते हैं. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडवर्टाइजिंग में जब आप पहला कदम रखते हैं तो आप करियर कैसे किस तरह से बनाएं और किन किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं. So welcome to the video, Vivek, once again. Thank you, Preeti. First round was very taxing for me mentally. I had to think of good answers. I hope this one is a little easier. Okay, नहीं easy questions तो मैं कभी पूछती नहीं हूँ. So सबसे पहले Vivek, एक student ने graduation कर ली advertising में, उसने अपनी डिग्री ले ली, उसने अब सर्टिफिकेशन जो भी आपने बताया पिछले वीडियो में, वो अब एक तैयार हो गया एडवर्टाइजिंग में जाने के लिए. तो अब नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होना चाहिए और किस तरह से वो अप्रोच, उसकी शुरुआत, शुरुआती दौर में उसकी अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए? सी, आजकल एडवर्टाइजिंग में जो रिक्रूटमेंट्स हैं काफी कंसिस्टेंटली हो रहे हैं. सो इट्स नॉट दैट रिक्रूटमेंट्स आर नॉट हैपनिंग इन एडवर्टाइजिंग. ओके, एडवर्टाइजिंग हैज अ वेरी हाई रिक्वायरमेंट ऑफ यंगस्टर्स इन इट्स फोल्ड एंड अक्रॉस द फंक्शनल एरियाज. Now, typically what happens is, like I had explained earlier, entry happens when you are being hired as a trainee, maybe it could be across any function. And there are a lot of midstream entries also. People get hired with 3-4 years of experience, people get hired with 10 years of experience also, depending on how relevant it is to the business of the entire advertising agency. So how do you start the process? Let's say you are a youngster, like you said, aapne apna BA ya BCom ya BSc, BTech, जो भी आपका फील्ड है आपने खत्म किया एंड अब आप चाहते हो कि मैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया में प्रवेश करता हूँ. सो एक तरीका ये है कि एक तो सारी जो नेटवर्क्स हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क्स, दे आर ऑल ऑपरेशनल इन इंडिया. WPP हो गया, Omnicom हो गया, सारे, इवन इनोशन विच इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क विच आई यूज टू हेड टिल जस्ट अ मंथ बैक. नाउ इनकी वेबसाइट पे एक सेक्शन होता है करियर्स का. ओके, so a lot of agencies now post these on in that section of theirs website. The other important aspect of looking for a job in advertising agencies is that you should probably go and follow their LinkedIn pages. Acha, because aajkal LinkedIn pe zyada active hai because it's becoming more cost effective, number one. Aur thoda sa kya hota hai ki ek pre-screened type ki profile mil jati hai kai baar, because LinkedIn के थ्रू आपका बेसिक बायो मिल जाता है, आपकी बाकी इंटरेस्ट क्या है वो भी पता लग जाते हैं. सो दैट इज वन वे. द अदर इज यू कैन फिजिकली अप्रोच दीस गाइस एज वेल. सो यू कैन वो अच्छा, आजकल भी ऐसा होता है कि फिजिकली अपना सीवी और वो लेकर आप जा सकते हैं. हां हां, दे वेरी एंटरप्राइजिंग बॉयज एंड गर्ल्स कम एंड विजिट आवर ऑफिस एंड यू नो दे डोंट लीव टिल दे गेट एन ऑडियंस विद समवन ऑफ रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस टू देम. कई तो बैठे रहते हैं जब तक क्रिएटिव डायरेक्टर मुझे मिलेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जब तक कि आपका यू नो हेड ऑफ क्लाइंट सर्विसिंग नहीं मिलेगा, हेड ऑफ स्ट्रेटजी प्लानिंग नहीं मिलेगा, या हेड ऑफ डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मतलब यू नो दे आर देयर, दे पार्क देमसेल्व्स बिकॉज़ सी एंड वेरी ऑफन व्हाट हैपेंस इज दिस टेल्स यू हाउ टेनेशियस द पर्सन इज. एब्सोल्युटली, लाइक जब कि उसके अंदर जज्बा है काम करने का. सो आई रिमेंबर यू नो व्हेन आई पास्ड आउट और रादर वाज इन द लास्ट सेमेस्टर वे बैक. So I used to just pick up this magazine, you know, Business India, Business World, दो मैगजीन आती थी, एक तीसरी और भी आती थी, Business Update. तो उसमें हम देखते थे भाई किस एजेंसी का एड्रेस मिल जाए, वो अपॉइंटमेंट पेजेस में उन्होंने एड्स वगैरह छिपते थे. एंड हम लोग 8-10 लोग थे, हम लोग का काम ही ये था सबको रोज चिट्ठी लिखो कि भाई कौन आएगा दिल्ली, सबको बायोडेटा बांटेगा. एंड इनवेरिएबली वी यूज़ टू गेट रिस्पॉन्सेस. आप कोलकाता में थे उस वक्त? मैं इलाहाबाद में. अच्छा. सो सो वी यूज़ टू गेट रिस्पॉन्सेस फ्रॉम पीपल एटसेट्रा एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट इंटरव्यू आल्सो. It might not have worked out then, but I guess that's how you know things happen. So you can visit the offices physically. अभी भी मतलब ये formula बिल्कुल जायज है, चलता है. अगर आप दिल्ली में हैं, आप बम्बई में हैं, कलकत्ता में हैं, बैंगलोर में हैं, चेन्नई में हैं, हैदराबाद में, सब जगह जहाँ अभी भी agencies are active, so आप जाइए, you approach the HR team, you approach the head of the office there, give your resume, you know, insist on an interview, and persistence pays because you know. Advertising has this little culture about you know to see you know how much of patience you have, how much of you know persistence you have. And, check करेंगे वो आप लोगों को. बिल्कुल बिल्कुल लगा. खारे उठे ही हैं इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो कौन सी organisations हैं जो advertising freshers को absorb करते हैं? Very fair point. See जितने बड़े networks हैं उनका एक organised process होता है.
कि वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, जैसे ग्रुप एम हो गया या इनिशिएटिव मीडिया हो गया या पेंटास हो गया, ओकेपी हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है साल के शुरू में जब मैन पावर प्लानिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सॉरी जब होती है, तो वो लोग असेस कर लेते हैं हमें कितने फ्रेशर्स चाहिए, कितने मिड स्ट्रीम चाहिए, वो सारी चीज़ें प्लान हो जाती हैं, मिड लेवल पे इतने, सीनियर लेवल पे इतने, जूनियर्स इतने चाहिए, एंड सो एट दैट टाइम दे डिसाइड ओके वी विल बी टेकिंग 15 ट्रेनीज इन सेम क्रिएटिव, 10 ट्रेनीज इन क्लाइंट सर्विसिंग, 2 ट्रेनीज इन अकाउंट प्लानिंग, सो एंड सो इन एक्सपीरियंशियल, सो मेनी इन कॉन्टेंट, सो मेनी इन डिजिटल मीडिया. सो देर इज अ बेसिक प्लान विच इज प्रिपेयर्ड एंड That's the time, you know, you should be approaching it. Typically, business plans are all made during the month of December, January. And March, April is when your course curriculum ends, if you're a fresher, or if you're doing your PGDM, whatever it is. And so start approaching these agencies in the month of Feb. And Achha, point to be noted, guys, February mein Feb, Jan, earlier the start better. So you start seeding your resumes, etc. Start, you know, pitching yourself as a candidate for whatever discipline that interests you, and you know, if luck is on your side and you have certain amount of talent, definitely you'll get an audience. And so for the understanding of the students, ये जो बड़े networks हैं, advertising conglomerates हैं, आप वो भी बता दीजिए कि कौन सी मतलब metro major metro cities में इनके offices रहते हैं. हाँ, So, वही मैंने बोला ना, और टीयर टू टीयर थ्री वाले जो बच्चे हैं जो जो भी वीडियो देखेंगे उनको अगर एडवर्टाइजिंग में उनका मन है आने का, वो भी क्या उनको मेट्रो सिटीज में ही आकर ही अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है? अभी क्या हो गया है कि थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन तो हुआ है, बट इट इज नॉट फॉर द मेन स्ट्रीम एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफिसेज येट. ओके, बट एवरी सिटी वर्थ, आई मीन इफ यू गो टू स्टेट कैपिटल जैसे लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, या आप और भी शहर देख लीजिए, अहमदाबाद हो गया, तो वहाँ पे क्या है कि छोटी छोटी एजेंसीज उभर के आ रही है काफ़ी, एंड डिजिटल की एरिया में बहुत सारी एजेंसीज शुरू हो गई, स्पेशली कंटेंट एंड यू नो वीडियोस एंड स्टैटिक्स वगैरह में काफ़ी काम हो रहा है सब छोटे शहरों में भी, बिकॉज व्हाट इंटरनेट हैज एनेबल्ड टुडे इन द फॉर्म ऑफ यू नो ईज ऑफ बिजनेस इज दैट any enterprise can reach out to anyone, right, and at a very cost effective basis, kahin bhi so, remote area se wo exactly so companies are able to utilize those avenues to put forth their product messages forward or brand messages forward, to wahan pe bhi aapko opportunities milengi. Par aapko lagta hai ye decentralization of work to hua hai, but aapko lagta hai ye advantages hai career banane ke liye ya disadvantages hai kyunki एक अथॉरिटी मिसिंग है कहीं ना कहीं, एक बड़े वो एक कहते हैं ना एक बड़े लेवल पे एक करियर को बनाना है एक सिस्टमैटिक वे में, और एक डिसेंट्रलाइज एक रिमोट एरिया में, जैसे हमने इस पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप ऑनलाइन बैठ के मतलब एडवर्टाइजिंग नहीं होती है, आपको सबके साथ मिलकर एक टीम वर्क के साथ एक ऐड बनेगी, तो आपको लगता है कि एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस? माय ओनली आंसर टू दैट वुड बी कि अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं अपने यू नो इफ यू वांट टू डिप योर टोज इन द बिजनेस एंड गेट अ फील कि ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म है कि नहीं, तो कई बार क्या होता है कि आपके लिए जैसे आप बनारस में रहते हैं, आपके लिए उठ के दिल्ली आना और पूरा मतलब आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे, आपका बेस वहाँ पे है, एंड यू माइट कई लोग आते हैं और भरोसा है कि वो बना लेंगे, वो हो कर लेंगे, या मतलब उन्होंने तय कर लिया कि मैं इस चीज को 2 साल दूंगा, देखते हैं कहाँ जाएगा. तो एक तरीका कि आप आइए यहाँ पे स्ट्रगल कीजिए, अपना कीजिए, इट्स नॉट लाइक अ बॉलीवुड स्ट्रगल कि भैया आप एकदम सड़क पे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बट द अदर वे ऑफ डूइंग इट इज इफ यू वर्क इन अ स्मॉलर सिटी ऑल्सो द एक्सपीरियंस डज नॉट गो वेस्ट. आई मीन हमने कई लोगों को हायर किया है जो कि लेट्स से कोचिंग में कॉपी राइटर था, उसको हमने यहाँ पे दिल्ली में हायर कर लिया. जब वो आया 1.5 साल उसने काम किया, एंड वी रियलाइज दैट इसकी एक्सपर्टीज लोकल लैंग्वेज में बहुत अच्छी, प्लस ही कैन आल्सो थिंक एंड राइट इन इंग्लिश, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे लिए बहुत अच्छा था, तो हमने उसको ले लिया यहाँ पे. एंड इसी तरह बहुत ऑर्गेनाइजेशंस दैट हायर दीस काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स जो एडवर्टाइजिंग में करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? जैसे एवरीबॉडी, मैं आपको नाम बताता हूं, जैसे अब ये WPP है जी, व्हिच इज अ नेटवर्क, सो दे ओन ग्रुप एम, दे ओन ओगिलवी, दे ओन वंडरमैन थॉमसन एटसेट्रा, सो दे हैव एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ इनटेक. ऑल बिग एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव एन ऑर्गेनाइज्ड
सिस्टम ऑफ इनटेक. इवन एट इनोशन फॉर इंस्टेंस वी प्रिडिक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हम Q1 में इतने हायर करेंगे, Q2 में इतने, Q3 Q4 में इतने करेंगे, सीनियर लेवल पे ये है, जूनियर लेवल पे है. और कभी कभी क्या होता है एडहॉक रिक्वायरमेंट्स भी आती है जब हमको एकदम से लगता है कि यार काम बहुत ज्यादा है, लेट्स गेट सम मोर यू नो यंगस्टर्स ऑन बोर्ड. तो प्रोजेक्ट बेसिस पे भी हायरिंग होती है? प्रोजेक्ट बेसिस पे भी होती है और लाइक आई सेड यू गेट हायर्ड एज अ ट्रेनी एंड देन यू आर ऑन प्रोबेशन फॉर 6 months. 6 महीने के बाद आपकी परफॉर्मेंस देख के आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट दिया जाता है एंड देन यू आर अ पार्ट ऑफ द एजेंसीज यू नो रोल्स एंड स्ट्रक्चर. ओके. एंड प्रोजेक्ट बेसिस पे जो हायरिंग होती है उसके लिए स्पेशली कोई तरीका ऐसा कि जो स्टूडेंट्स किसी कोई स्पेशल वे में अप्रोच कर सकते हैं? सी कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे एजेंसी वाले दे रीच आउट टू द प्लेसमेंट टीम्स ऑफ कॉलेजेस कि भाई हमें अगले 10 महीने के लिए लोग चाहिए. फॉर इंस्टेंस फॉर आर यू नो एक्सपीरियंशियल टीम वेयर वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम अक्रॉस 10 cities, 12 cities. नो एजेंसी हैज रेगुलर मैन पावर विच कैन बी यू नो डेडिकेटेड टू और डिप्लॉयड टू दीज. तो उस समय क्या होता है वी हैव टू एड पीपल who are on our side, who take the accountability from the agency perspective and go and get the work done. So, उसके लिए कभी-कभी हम थोड़े experience वालों को भी लेते हैं और उनके साथ अगर उनकी मदद करनी है तो उनके लिए हम थोड़े से freshers भी ले लेते हैं. Okay. So, both ways it works. और जो आपकी hiring होती है, तो आप कौन से बच्चों को preference ज़्यादा देते हैं जो premier institute से पढ़कर आए होते हैं जैसे IIMs of the world हो गए या फिर आप उनको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जो इतने जिनके इंस्टीट्यूट के इतने नाम उतने जैसे ए बी सी वो जो लेवल ऑफ एजुकेशन हो गई तो उनको आप उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं या नहीं? सी अगर मैं कहूँ कि हम नहीं देते तो शायद ये गलत होगा बट एट द एंड ऑफ द डे आजकल क्या हो गया कि भी एडवर्टाइजिंग टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस इज नॉट सो हाई अप इन द यू नो कंसिडरेशन लिस्ट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम IIMs एंड ऑल ऑफ दैट बट दो सम व्हाट पीपल स्टिल एंड अप at our end, but yes, I would say the next level of institutions definitely people are. जैसे MICA हो गया. MICA is the only dedicated institution which provides very high quality talent. I definitely would say that, and most organizations have very good experience with you know students who've come out from MICA. तो जिनका MICA में नहीं हुआ अगर कोई फर्क निराश होने की कोई बात नहीं. अच्छा. सी अल्टीमेटली क्या होता है जो आपके पास अपने लेबल का एडवांटेज होता है ना इंस्टीट्यूशन का वो 1 साल या 2 साल ही रहता है. उसके बाद तो फिर आपकी आपकी अपनी काबिलियत के ऊपर है. सो यू नो आई हैव हैड पीपल हु वर जस्ट प्लेन ग्रेजुएट्स फ्रॉम कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और बॉम्बे और समथिंग हु गॉट गाइस फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस रिपोर्टिंग टू देम बिकॉज दैट पर्सन हैज हिज फिंगर ऑन द पल्स ऑफ द कंज्यूमर द मार्केट एंड द क्लाइंट. So ultimately, it's your understanding of the business, your understanding of the craft that matters. Okay. और advertising agency में career शुरुआत करने के क्या फायदे हैं? See, first of all, see what is advertising. Advertising is a very important aspect of marketing. Okay. I mean, it sounds very glamorous कि हम फोटो बनाते हैं, छापते हैं, अच्छी-अच्छी shoots पे जाते हैं. That's very small percentage of it. But bulk of it is hardcore strategic work which is then reflected into a creative output which thereafter you know is put through a fairly rigorous process of evaluation in terms of media, in terms of digital exposure and everything. And then we also add an experiential layer to it by way of touch and feel and you know event based outreach, etc. So all of that requires fairly rigorous planning, logistics, strategic bent of mind and understanding of consumer behavior and what actually makes works as a good trigger for a consumer to buy the brand. So basically jo students ye sochte hain ki advertising is a lot of glam, waisa nahi hai guys. Basically uske piche ka jo strategic work, hardcore understanding of the consumer sentiment aur jo marketing level pe jo kaam hota hai wo zyada hota hai. To agar aapke dimag mein ye hai ki bahut glamorous job hai, hai बट वो ही सब कुछ नहीं है जो बाहर से दिखता है. वो तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जैसे बॉलीवुड है असली काम तो करना मेहनत वाला करना पड़ता है और वीकेंड्स में भी करना पड़ता है. यू हैड आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इसके फायदे क्या क्या है. नाउ इससे क्या होता है व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर इन एडवर्टाइजिंग इवन इफ यू हैव अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव कि मैं 4 साल यहाँ काम करूंगा उसके बाद मार्केटिंग में चला जाऊंगा या क्लाइंट की तरफ से जाके ब्रांड मैनेजर बन जाऊंगा. एडवांटेज ऑफ बीइंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज दैट यू नो सर्टन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच आर वेरी क्रिटिकल टू बिल्डिंग अ ब्रांड. फर्स्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर, सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट,
Third is, how do you take all of these and make them into a compelling creative proposition? And thereafter, how do you manage your media exposures? Now, these are all very critical functions from a marketing professional's point of view. Okay. So, you when you go into a brand manager's role, let's say after doing 4-5 years in advertising, you are already prepared for certain result-oriented aspects of it. आपको एक चीज जो शायद नहीं आती होगी, sales planning कैसे करनी है, forecasting कैसे करनी है, या how do you manage a certain amount of evolution of sales promotion efforts etc. वो आप सीख लेंगे. Okay. But ये जो चीज जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, सीखने में उनको सालों लग जाते हैं, आप ये सीख के जाएंगे. अच्छा. So you are ready to run athlete. For an organization. Okay. और आपने तो विवेक कभी छोड़ा ही नहीं advertising, मतलब इनोशन में ही आपने 30 साल. किसी ने लिया ही नहीं मुझे. नहीं, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, या marketing side पे क्यों नहीं गए? See, it's also about what is of primary interest to you. Now, for me, the basic excitement of facing multiple challenges in a day. Now, as an advertising agency person. Let's say I'm handling a portfolio of 6 brands. So there's 6 different challenges that I'm handling. 6 different clients. और वहाँ पे तो एक ही हो। कोई उसमें milk food का client है, कोई उसमें durables वाला client है, कोई automotive वाला है, कोई soft drink वाला client है, कोई cosmetics वाला है, let's say. So everything comes with its own set of challenges, own set of excitement, and और brand side पे जाएंगे तो कोई एक ही challenge होगा, brand को represent करना, है ना? वो see, it's not so boring. I mean, don't offend my clients that I've had very good relationship with. या बहुत सारे बच्चे जो कि सोच रहे हैं भाई हम तो marketing manager ही बनेंगे, तो CMO बनेंगे आगे चलके. Correct. So I don't want to give them the wrong impression, but थोड़ा सा limitation तो आ ही जाता है, because आपको एक ही दायरे में सोचना है. अच्छा. आपको अपनी brand की sales deliveries करनी, आपको उसके जितने KPIs उनको meet करना है. यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्रांड्स के KPIs एक साथ ही साथ लड़नी है. तो दिस वाज मोर चैलेंजिंग टू यू. एंड प्लस द अदर थिंग इज, आई मीन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ग्राउंडिंग आई गॉट फ्रॉम वेरियस सीनियर पीपल दैट आई वर्क विद, बीइंग इन अ लीडरशिप रोल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द एजेंसी एज वेल एंड यू नो guide the culture, guide the entire thought process of these. And that to me was also a very fulfilling part. Okay. Or advertising agency, agar koi join nahi karta, to which are the other revenues? See, kai log, jaise mass communications, Indian Institute of Mass Comm, wahan se nikalte hain. Ya aur bhi jagah se, Mica se nikalte hain. So, in fact, my basic complained with some of the faculty people of Mica is being ki yaar aapke sare log jaake brand manager kyun ban jaate hain, koi to advertising mein bhi aa jaye. So lot of people go to brand management. Why is that? Because see, they don't find advertising lucrative. No, it's not that. I think brand management combines the challenges of sales, marketing and advertising put together. Okay. So it's a more versatile, more wholesome package. Ki bhai, you are the custodian of the brand and you determine its destiny. Okay. So from, and plus you're controlling the budget as well. So kai logon ko hota hai bhai, as a client I'll have marketing the final budget, word. I'll have the final word. Word. So kai logon ko wo bhi you know ek passion hota hai. Kick milti hai. Bilkul bilkul. मुझे सलाम करेंगे, बोलेंगे सर आप थोड़ा सा बजट हमें बढ़ा दो. You, like I mentioned, brand management. A lot of people go and join public relations department, corporate communications teams. अच्छा. And a lot of them go and join sales as well. So I mean, you know, the startup world today has a lot of requirement for you know young marketing professionals. So avenues are numerous, in fact. And एक बहुत ही tricky question ये है कि which are the great advertising agencies to start your career from? आपके लिए क्यों ट्रिकी है आप जानते हैं, क्योंकि आपने तो पूरी जिंदगी इनोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू व्हिच आर द गुड वंस एंड वेयर शुड दीस सी देयर आर नो सी लेट मी गिव यू फर्स्ट वेरी डिप्लोमेटिक आंसर दैट देयर आर नो गुड और बैड एजेंसीज. सी अल्टीमेटली एजेंसीज आर मेड ऑफ पीपल एंड द क्लाइंट्स दैट are you know working with that agency. But this is true also, it's not just diplomatic. What you're saying is so what happens is that if you are able to work with a good set of people who nurture talent, because kai baar kya hota hai bande bahut acche hote hain but unke paas itni patience nahi hoti ki wo kisi youngster ko groom kar sake. So you have to be part of a team which encourages younger people to
you know, come up with their ideas, give them the center stage, let them take risks and back them, you know, in case they make a little mistake, etc. And attribute it to a learning curve. So it's very important from that point of view. And I think if I look at the agency world, the top 20 agencies are absolutely wonderful places to be in, by and large. Okay. So aise koi dikkat nahi. Just make sure that you show initiative from your side. कि मैं मुझे और काम दीजिए, मुझे और चैलेंजेस दीजिए. एंड जितना आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे उतना आपकी लर्निंग बढ़ेगी, उतना आप और आगे बढ़ेंगे. ओके, तो एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल को कब लगना चाहिए कि उसकी ग्रोथ सही डायरेक्शन में हो रही है आफ्टर जॉइनिंग एन एड एजेंसी? सी, फर्स्ट टू इयर्स आर वेरी क्रिटिकल. एंड आपको इनफैक्ट पहले दो साल में पता लग जाता है कि आप लंबी रेस के घोड़े हैं कि नहीं है. अच्छा. सो बिकॉज अगर आप कैसे इफ एवरी डे इन द मॉर्निंग यू हैव द सेम लेवल ऑफ एनर्जी टू गो आउट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, गो आउट एंड टेल योर क्लाइंट दैट दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू इज द बेस्ट, और गो आउट एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन टेल टू द एंटायर एजेंसी बोर्ड एंड द क्लाइंट मार्केटिंग बोर्ड दैट हियर नोबडी कैन डू अ बेटर जॉब देन दिस दैट आई हैव डन फॉर यू. Or if you are a digital guy, then this is probably the best way to, you know, utilize influencers for your brand, etc. So as long as you have that energy every day in your stride, you are definitely doing a great job. जैसे मैं ये videos करने के लिए निकल पड़ती हूँ. बिल्कुल. And the other thing is that, you know, if you are able to continuously generate, let's say, confidence in the people that you work with. Okay. Because it's very important for your client to trust you. It's very important for your seniors to trust you. It's very important for your peer group to see you as a positive source of energy in their midst. So as long as you're doing that, you are on a good track. And there are certain other basic indicators. If your increment every year is good. Yes, I'm actually coming. I'm not talking about money. No, if your increment every year is good. And every second year, on an average, if you're a good performing professional, you should get promoted every second year. That's a thumb rule. I mean, don't hold me to it, but by and large, हो जाता है जो लोग अच्छे होते हैं, क्योंकि otherwise कोई कुछ क्यों टिकेगा भाई, मतलब कोई भारत सरकार तो है नहीं. सही बात है. और कितने साल के बाद स्विच करना चाहिए अगर करना चाहें तो? स्विच का मतलब गाइस मैं समझा देती हूँ कि एडवर्टाइजिंग, हाँ वही वो तो है. ये दो एस्पेक्ट है एक्चुअली, एक नौकरी बदलना एडवर्टाइजिंग में ही, और एक एडवर्टाइजिंग टू मार्केटिंग साइड में यानी कि ब्रांड साइड में जाना. तो दोनों आप बताइए. देखिए इसकी दो चीजें, कुछ लोगों में बेचैनी होती है, भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाना है. जैसे मुझे कई रेज्यूमेस मिलते हैं लोगों की, 10 साल की नौकरी है, उन्होंने 12 जॉब्स बदली हुई है. तो उसमें मेरा एक ही मानना था, या तो ये इसलिए भागते हैं कि इससे पहले कि असलियत जब जाहिर हो जाए ये भाग लेते हैं. अच्छा. कि भाई अगर इनकी इनकॉम्पिटेंस पता लग गई तो फिर अगला बंदा भी नहीं आया करे, तो निकल लेते हैं वहां से. ओके. सो ऐसे लोगों को के लिए मेरे पास कोई एडवाइस नहीं है. मतलब मेरा ये है कि भाई अगर आपको यही करना है तो फिर आप कहीं और कर लो यार, जहाँ आप थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ काम कर सकते हो. राइट. बट ऑन एन एवरेज आई वुड से दैट यू शुड गिव अ करियर अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट 3 to 4 years. बिकॉज आपको एक साल तो लग जाता है क्लाइंट को समझने में, और एजेंसी के पूरे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, आपके अपने कोलीग्स हैं उनकी वर्किंग स्टाइल समझने में उतना टाइम लग जाता है. बिल्कुल. और जब आप उससे फायदा उठाने की स्टेज में आते हो एंड यू आर ट्राइंग टू बी अ मोर कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द टीम, तब आप सोचते चलो यार अच्छा मेरे दोस्त को तो वहाँ 5,000 ज्यादा मिल रहे हैं, मैं भी वहाँ जाता हूँ. सो उससे फिर फायदा नहीं होता. सो यू विल हैव टू गिव अप अ लिटिल बिट ऑफ शॉर्ट टर्म गेन फॉर अ मच bigger game in the medium term. Okay. So that is what my thinking has always been. For both advertising and marketing, na? Yes. And when should you switch from advertising to a different field? What happens is that if you are looking at a graded pattern for your career, ki main 4-5 saal advertising seekh leta hu, kuch jo bhi isne sikhana hai, digital ka, kya bolte hain, ATL ka, BTL ka, sab seekh liya maine, to ab main jaake ब्रांड मैनेजर बन जाता हूँ, फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद मैं डेप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग बन जाऊँगा, फिर मार्केटिंग मैनेजर. सो देन मिनिमम 4 years टू माई माइंड इज अ गुड पीरियड टू गेट नाइस हैंग ऑफ द एंटायर प्रोफेशन. ओके. और एक लास्ट बात मेरे माइंड में ही आती है कि आजकल क्या है कि जो लोग स्टार्टअप्स कर लेते हैं ना, तो उनके ना वो अपने आप ही CEO बन जाते हैं, अपने आप ही उनके डेजिग्नेशन अपने आप डिफाइन कर लेते हैं, चीफ
डैश ऑफिसर कुछ भी बन जाते हैं. हाँ. तो वो आजकल के जो स्टूडेंट्स जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर वो प्रेशर भी आता है कहीं ना कहीं कि वो एक एज अ यू नो ट्रेनी ज्वाइन कर रहे हैं कहीं पे, या उनके जो पीयर्स हैं वो तो स्टार्टअप के सीईओज हैं ऑलरेडी अपने 20s में, है ना. ये तो, बहुत अच्छा सवाल है, मुझे तो कई बार अपने ऊपर भी डाउट होता है. तो आप ये बताओ कि so, मतलब हाँ तो इसका भी एजेंसीज ने इलाज निकाल लिया, हमारा तो काम ही है ब्रांडिंग करना. हाँ. तो हर चीज का हम नया नाम बना लेते हैं. तो कई जगह ट्रेनिंग नहीं उनको बोलते, उनको प्रोजेक्ट एसोसिएट बोला जाता है, उनको ब्रांड एसोसिएट बोलते हैं या उनको एनालिस्ट बोल देते हैं. सो दीज आर वेज, बट अकॉर्डिंग टू मी यू नो देयर इज नो हार्म बीइंग अ ट्रेनी. I mean, you know, you are a trainee all your life. I mean, you know, I meet a lot of people across the spectrum. Yeah, आपने बहुत अच्छी बात बोली. We are actually a trainee all our lives, guys. तो कभी आपको ये designation के में bound feel करने की कभी ज़रूरत है ही नहीं. Designation कुछ भी हो मेरे हिसाब से, I think आप क्या काम कर रहे हो और कितना अच्छा कर रहे हो वो ही सब कुछ matter करता है. In fact, I have had some very bright youngsters in our team who have just done 1 year, 8 months, etc. They have gone ahead and managed such large issues for clients. Okay. That the client has turned and said, yeah, मुझे बाकी लोगों की ज़रूरत ही नहीं, इसी को भेज दिया करो बस. कितनी बड़ी बात है. So what I'm saying is, it's about your capability to resolve issues. And I still feel that one of the most underrated things in terms of professional competence is problem solving. And as long as you are able to capitalize on that skill across the spectrum, and be it in creators, be it in media, be it in experiential, be it digital or client servicing or strategy. If your problem solving, you know, sales are working fine, I think you will always be successful in advertising. Okay, so basically, जो इतनी designation का जो इतना fancy जो आजकल बन रखा है हर जगह पे, वो लोग बच्चों को pressure नहीं लेना चाहिए. But at the same time, I think we are very conscious of this aspect. So that's why agencies are continuously tweaking the nomenclature of the designations. Okay. हो जाता है भाई, instead of being something people call you, chief growth officer. हाँ. और chief something. जब तक growth हो रही है, जब तक growth हो रही है तो chief हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है guys, पैसा आना चाहिए अच्छा और अच्छी growth होनी चाहिए करियर में. तो I think इस वीडियो के लिए इतना ही, next वीडियो में और आगे इसको बढ़ाएंगे टॉपिक को. और आप हमारे साथ बने रहिए, विवेक तो बने हुए हैं. नहीं, मेरे लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज एटलीस्ट मुझे लगता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं. डेफिनेटली मुझे लगता है कि लोगों को आजकल गाइडेंस है कि उनको समझ में आना चाहिए, वो भी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यू नो, यू नो, एब्सोल्युटली समबडी हु इज राइट देयर इन द मिडिल, हु इज बीइंग देयर इन द हॉर्स हु कांट रन वेरी फास्ट बट कैन प्ले गोल्फ. So guys, keep watching these videos. We'll be back, Vivek and me. And thank you for watching. And do share, like, subscribe. Yes, please, please. And please share this video with all your friends so that Titi gets a lot more views. And Vivek gets followers in the right way because he's teaching you guys the right thing. So thank you so much for watching, guys. Thanks for watching and thank you, Preeti. Thank you.